नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में पश्चिमी यमुना के किनारे सुबह से ही गणेश भक्त अपने घरों में स्थापित 9 दिनों से गणेश की प्रतिमा को लेकर उसके विसर्जन के लिए ढोल नगाड़े रंग गुलाल के साथ यमुना के किनारे पहुंच रहे हैं और यमुना के घाटों पर जाकर पानी के बीच प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और गोताखोरों की टीम यमुना के किनारे घाटों पर तैनात की गई है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज सुबह से ही लोग अपने घरों में 9 दिन पहले स्थापित की गई गणेश जी की मूर्ति को लेकर ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ गणेश जी की अंतिम विदाई के कार्य में लगे हुए हैं। परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना के साथ 9 दिन पहले गणेश जी की प्रतिमा को उसी तरह से सभी लोगों ने अपने घरों, मंदिरों और अन्य स्थानों पर स्थापित किया था ताकि उनके घर परिवार में सुख समृद्धि रहे, लोगों का प्रेम प्यार आपस में बना रहे। लोग भारी उत्साह से गणेश उत्सव को मनाते हैं। 9 दिनों तक सुबह शाम गणेश जी की आरती और वंदना की जाती है। सुबह शाम लड्डू और मीठे पकवानों के गणेश जी को भोग लगाया जाता है। ये 9 दिन लोग आपस में प्यार और स्नेह के साथ बिताते हैं। गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तू जल्दिया किनारों के साथ आज गणेश जी की प्रतिमा को पानी के बीच जाकर उसे विसर्जित किया जा रहा है। यमुना में पानी अधिक होने के कारण गोताखोरों को तैनात किया गया है। लोगों को अधिक पानी में जाने की मनाही है, इसलिए गोताखोर पानी के बीच जाकर प्रतिमा का पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ विसर्जित कर रहे हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौधरी की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।